हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करां। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी साजना। अभी बताऊंगी मुनीब को सब। जा 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 के बता। जा। अरिश्मा की सहेली है ना सानिया? हाँ, तो उसके भाई वसीम ने शादी से पहले मायूं वाले दिन अरिश्मा की इज्जत हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। हेलो अन्ना जी। अलिश्बा अलिश्बा, तुम फौरन अभी इसी वक्त घर आ जाओ। हाँ, लेकिन अन्ना जी सब खैरियत तो है, क्या हुआ? मैं जो कह रही हूँ वो करो, अभी इसी वक्त घर आओ। अन्ना जी ऐसे कैसे इतनी रात को आ जाऊँ मैं? आप मुझे बताएं तो सही, आखिर बात क्या है? फिर मैं खालदा पप्पू से मुनीब से क्या कहूंगी, बताए मुझे क्या हुआ? हाँ हाँ, तुम्हारा इस वक्त आना मुनासिब नहीं। मैं भी बिल्कुल पागल हूँ, मैं सोचे समझे तुम्हें फोन कर दिया, लेकिन लेकिन मेरी जान कल सुबह होती तुम्हारे जाना। अन्ना जी मुझे बताएं आखिर बात क्या है, आपको छुपा रही है ना मुझसे? नहीं नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी, मैंने तो खुद फोन किया है तुम्हें। लेकिन अन्ना जी इससे पहले आपकी आवाज, आपका लहजा इतना परेशान कौन था? हाँ वो मैं भी बिल्कुल पागल हूँ, मशवरा लेना था तुमसे, टाइम भी नहीं देखा और इस वक्त फोन कर लिया मैंने। अलिश्बा कहाँ खो गई? अच्छा सुनो, अभी तुम आराम करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, कल आ जाना। हाँ जी अन्ना जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
मुनीब, आप मुझे अम्मी के घर छोड़ देंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में तुम्हें छोड़ दूंगा। अच्छा है, कुछ वक्त वहाँ गुजारूंगी, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैं अपना बैग लाती हूँ। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? अम्मी मैं ऑफिस जा रहा था, रास्ते में साजदा मोमानी के यहाँ लिशबा को छोड़ दूंगा। हाँ भाई, मुझे कोई क्यों बताएगा कि कौन इस घर से जाता है और कौन वापस आता है। और एक बात है, मुझे क्यों पता चलेगा? हाँ, अरे मैं तो जैसे इस घर की। अम्मी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, मैं आपको बताने ही वाला था, अभी तो अलिश्बा ने जिक्र किया है। सुबह सुबह मूड मत खराब किया करें। मुनीब मैं अपना बैग लेके आती हूँ। देख लिया अपनी आंखों से तुमने इसका रवैया? अरे तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ के साथ कैसा सलूक कर रही है ये? एक बात बताओ मुनीब, क्या मैं अलिश्मा को इसलिए ब्याह कर लाई थी इस घर में कि मुझसे इस तरह से अलग अलग रहेगी ये? अम्मी मैं ये बात समझता हूँ, लेकिन प्लीज अब ये बात जाने भी दें। अच्छा मुझे देर हो रही है, ऑफिस भी जाना है। अल्लाह हाफिज। देखती हूँ मैं, घर तो आखिर मेरा है ना। हेलो। हाँ वसीम, उबैद बात कर रहा हूँ। जी उबैद भाई, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे याद कर लिया? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अलिश्बा वाली बात किसी को नहीं बताना। अरे नहीं नहीं उबैद भाई, मुझसे कसम ले लें, मैंने अलिश्बा वाली बात किसी से भी नहीं कही, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ हाँ पता है मुझे, मेरी बात गौर से सुनो। अगर मैं तुम्हें गवाही के लिए बुलाऊं तो सीधी तरह शराफत से आ जा। कहाँ गवाही? पुलिस में? अरे पुलिस नहीं, अनाबिया के सामने। क्या अनाबिया के सामने? क्यों बात भाई, मुझे क्यों घसीट रहे हैं आप? आपने तो कहा था बस मैं अपनी जबान बंद रखूं। और अब मैं तुम्हारी जबान खुलवाना चाह रहा हूँ, जो मैं कहता जा रहा हूँ वही चुपचाप सीधे तरीके से करते जाओ, समझे? जी। जरूरत पड़ी तो कॉल करूंगा। जी। अबे मिट्ठू भाई, 60 रह के भी इतनी दूरियां, अबे मिलाप करो भाई, आपस में मिलजुल के रहोगे तो मोहब्बत बढ़ेगी। हमारे लिए भी दुआ कर, कहीं मैना कोई तो फोन नहीं है। हेलो। हेलो फारूक भाई। हाँ बोल। और भी वो बैठ की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि मुझे अनाबिया के सामने गवाही देनी पड़ेगी। ओ भाई हल्का आ जा बे, तू क्यों गवाही देगा हैं? मामे का बेटा है तेरा क्या? बात सुन, ये उसका अपना मसला है मेंटल उबैद का, उससे दूर ही रही हो तो अच्छा है। ओ भाई ज्यादा खिसका हुआ है वो। मैं क्या करूँ फारूक भाई, वो कह रहा था कि मैं एक कॉल करूँगा तो आ जाना बस फॉर। अबे कभी अपनी अकल का भी इस्तेमाल कर, और क्या करना तूने? अबे अकल का दुश्मन, अपना मोबाइल फोन बंद कर और सो जा। मोबाइल होगा ना कॉल आएगी। लेकिन अबे लेकिन क्या बे? ओ भाई टेंशन क्यों दे रहा है यार, सुबह सुबह अगर कुछ हुआ ना तो मैं हूँ ना, बस कल निकल। साला अबे मजे भी खुद ले रहा है, अब डर भी लग रही है ना, बट कहीं का बाथरूम में तू
दोस्ती वोस्तियाँ किसी से नहीं करनी भाई, सबको इस्तेमाल करो। और किससे बात कर रहे हो ये तुम? हाँ, तुमने अनाबी और उबैद का नाम भी लिया था ना, सच सच बताओ किससे बात कर रहे हो वसीम? जाके अपना काम करो तुम। और तुम इससे क्या, मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ? बढ़िया ही मुझसे सवाल जवाब पूछने वाला। लीजिए बेगम साहिबा, आपका मैका आ गया। हाँ। अच्छा, शाम को तुम्हें पिक कर लूँ ऑफिस से वापसी पे? मैं ऐसा करूंगी कि आपको फोन करके बता दूंगी। हाँ ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अलिश्वा? हाँ? कुछ नहीं, जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, जाओ, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। बस ऐसे ही तुम्हें देख रहा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। बस करो गुड़िया, रो रो के अपनी जान हलकान करोगी क्या? वो अम्मी कहाँ हैं? अम्मी बाजार गई हैं सब्जी लेने के लिए, बस आते ही होंगे। वैसे ठीक वक्त पे याद दिलाया तुमने, खाने में क्या खाओगी तुम? जो आप लोग खाएंगे। अभी हम तो खाना खाएंगे। अच्छा, चाय बनाए? हाँ ठीक है। अन्ना जी, वो रात में क्या बात करनी थी आपने? हाँ वो बात भी कर लेंगे, लेकिन तुम्हें उसके लिए रात रहना होगा। बहुत सारी बातें गुड़िया जो तुमसे करनी है। तुझे क्या हुआ है? अम्मी मैं अलिश्बा के बारे में सोच सोच कर परेशान हूँ, कितनी अजियत में होगी वो। अल्लाह उसे अपनी पनाह में रखे। पता नहीं, मुझे लगता है ये बात झूठ है, कोई साजिश है। अम्मी क्या ये बात आप साजिदा खाला को बताएंगी? क्या? नहीं नहीं, मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं? ताकि ये बात झूठी हो। और वैसे भी साजिदा को अनाबिया के दुख ने निडाल कर रखा है। अब ये बात अगर वो मुंह से नहीं कहती तो दिल में तो दुख लिए घूम रही है ना। मैं जानती हूँ उसे, बहन है मेरी। मम्मी जब मैं आपको अलिश्बा वाली बात बता रही थी ना, तो उबैद भाई ने सब कुछ सुन लिया था। या अल्लाह, फिर वो तो इस बात को मजीद कुरेदने में लग गए और जगह जगह से मालूम कर रहे हैं कि ये बात सच है या झूठ। लेकिन तुझे ये खबरें कौन दे रहा है घर में बैठे बैठे? अम्मी वो मेरी वो जो सहेली है ना, उसका भाई घर में अक्सर ये बातें करता होगा, इसी तरह बस मुझे भी पता चल जाता है। अच्छा बस बस, अब इन अफवाहों पे कान धरने की जरूरत नहीं है। और अलिश्बा तेरी खालाजाद बहन है, उसके बारे में ये बातें करने की जरूरत नहीं है तुझे, समझी? पता नहीं ये लड़का नाबिया का पीछा कब छोड़ेगा। वैसे अब अफसोस करने का क्या फायदा है, जो आपने करना था वो तो आपने कर दिया। बिना वजह उस मासूम को आपने उबैद भाई के पल्ले बांध दिया, उसकी जिंदगी भी बर्बाद हुई और हमारा सुकून भी गारत हो गया।
कैसी कैंची की तरह जबान चल रही है तेरी, हैं? हैं? बदतमीज कहीं की, उबैद भाई है तेरा। भाई बनकर आखिर दिखाया कब है उन्होंने? तो क्या किया है, तेरी जरूरतें पूरी नहीं की हैं, कैद करके रखा है तुझे घर में। कैद? हाँ कैद ही तो कर रखा है, और अच्छा हुआ कि अनाबिया भाभी ये कैद तोड़कर भाग गई, वरना उबैद भाई के साथ तो किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता। और ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर ने समझाई हुई थी। अरे डॉक्टरों का क्या है, वो तो जो मुंह में आता है बोल देते। अम्मी आखिर अब तो यकीन कर ले कि भाई एक ज़हनी मरीज और बीमार इंसान है। ए खबरदार, आइंदा तेरे मुंह से ये बात ना सुनूं, समझी? ये ना कहूं वो ना कहूं, बस पागलों की तरह तमाशा देखती रहूं, है ना? अनाबिया को मेरे पास आना ही पड़ेगा, इसके सिवा इसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब अनाबिया को मेरे पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता, ना कोर्ट, ना कासिम, ना उसके घर वाले। हेलो हेलो, किसका फोन था? पता नहीं, आवाज ही नहीं आ रही, कोई बोल ही नहीं रहा। हेलो, कौन है भाई, बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो हेलो, ये क्या कर रही हो तुम? पता नहीं कौन तंग कर रहा है। बेटा किसी और का भी फोन आ सकता है। कुछ नहीं होता, थोड़ी देर नंबर बिजी होगा फिर बाद में रख देंगे फोन। अलिशबा कहाँ है? अलिशबा सो रही है, थक गई होगी बेचारी, इसलिए अभी तक आराम से सो रही है। पता नहीं खालदा कैसा सलूक कर रही होगी मेरी बच्ची के साथ। कमजोर हो गई है ना मुनीब, सुबह का गया शाम को लौटता होगा। अलदा पता नहीं क्या क्या कहती होगी, कैसा सलूक कर रही होगी मेरी बच्ची के साथ। अलिशबा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। हंस के जो तोड़ दिए वादे ऐ खुदा। अरे मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे कि इन लड़कियों के करेक्टर ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया तुमने, अरे कैसे इज्जत खाक में मिल गई है, पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है हम लोगों को। अरे मैं तो सोच रही थी कि जब सबको पता चलेगा, अरे जब क्या होगा, अरे किस तरह से मुंह दिखाएंगे लोगों को हम। मुझे माफ कर दीजिएगा, इसमें सारा कसूर मेरा नहीं है,
मुझे तो जो अरिश्मा ने कहा था मैंने बस वही किया था। मैं तो उससे मोहब्बत करता था। निकल जाओ यहां से जानवर। तुम तो इंसान कहलाने की भी लायक हो। निकल जाओ यहां से इससे पहले कि मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल भिजवा दूं। मैं तुम्हें अपने हाथ से मार डालूं। छोड़ो हटो छोड़ो हट जाओ नीचे मुनीब छोड़ो इसे। तुम निकल यहां से निकल जाओ सिवा दफा जाओ यहां से। शक्ल मत दिखा रहा अपनी। और तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? बुलाओ उसे बुलाओ और अभी धक्के देकर बाहर निकालो। अरे मैं तो कहती हूं उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो। बुलाओ उसे। अलिश्मा अलिश्मा ठीक कहती थी अम्मी। जैसी बड़ी बहन है वैसी ही छोटी भी होगी। लेकिन मैं नहीं मानता था। आज मान गया। आज के बाद मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं। निष्पाप मैं तुम्हें तलाक देता तलाक देता तलाक देता हूं। कासम भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब जबरदस्त। और सुना आपने कोई मोबाइल शॉप खोली? कैसी चल रही है वो? कमाल जनाब कमाल। और बाबू भाई आपकी दुआ से ना एक और ब्रांच खोलने वाले हैं। वाह भाई वाह बहुत आला। रह गया कासम भाई तुम क्यों मेरी बीवी के साथ चक्कर चला रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरा हंसता बसता घर तबाह हो गया। क्या बकवास कर रहा है? बंद कर अपनी बकवास वरना क्या तुम लोग मुझे फिर से मारोगे? मारो मारो मुझे। लेकिन खुदा के वास्ते मुझे मेरी बीवी वापस कर दो। मेरे हाल पर रहम खाओ बस यार। बस जो हो गया सो हो गया मैं सब भूल जाऊंगा। बस मेरे हाल पे रहम खाओ तुम लोग। क्या बकवास कर रहे हो? मैं जरा सी भी शर्म नहीं आती अपनी बीवी पर इस तरह का इल्जाम लगाते। कुछ नहीं हुआ यहाँ पे चलो निकलो। कासिम भाई मैं जानता हूँ कि आप दोनों दूसरे को बहुत पसंद करते हैं इसलिए आपने रिश्ता भेजा था ना भाई। कौन गैरतमंद शरीफ आदमी ये सब बर्दाश्त करेगा? इसीलिए मैं मजबूर होकर आपके पास यहां आया हूं। और क्या करता पुलिस मेरा साथ नहीं दे रही है। ससुराल वाले कुछ सुनने समझने के लिए तैयार नहीं। देखें कासिम भाई जो हुआ उसे आप भी भूल जाएं मैं भी भूल जाता हूं। आपके वास्ते मुझे मेरी बीवी वापस कर दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए।
अनाबिया तुम क्या समझती थी उसे खुला ले लोगी, मुझे छोड़कर चली जाओ? मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, पूरे शहर में बदनाम कर दूंगा, हर गली हर मोहल्ले में जहां भी तुम जाओगी। अगर तुम मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं रहोगी। ये उबैद तो बहुत ही खबीज इंसान निकला, इतना गिर जाएगा ये? आपको और बेचारी भाभी को पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया। भाई मैं तो कहता हूं इसको सबक सिखा दे। सोच तो मैं भी रहा हूं, उसका दिमाग ठिकाने लगाई तो, लेकिन क्या भाई, अभी चलते हैं उसके घर पे, उसको घर से बाहर निकालते हैं, उसकी ट्यूनिंग करते हैं, जितना भी कार्बोरेटर में कचरा है ना सब साफ कर। नहीं बुरे, अब ये इतना आसान है? आसान नहीं, अरे भाई आपके लिए क्या मुश्किल है? मुश्किल नहीं, मजबूरी है। मजबूरी? नहीं 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 भाई नहीं, दुकान की टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, बस तुम ये उबैद का बस ना कुछ काम करो। दुकान की वजह से नहीं पूरे, ना मैंने उबैद को कुछ भी बोला कुछ भी कहा तो लोगों ने आदिया तुम भी उठाई, पहले कम बदनाम हुई मेरी वजह से वो। हाँ नहीं भाई नहीं, भाभी को बदनाम नहीं होने चाहिए, वो कितनी अच्छी है ना। भाई एक बात पूछूं, भाई ये अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, लोग ऐसी तंग करते हैं? क्योंकि ये लोग अंदर से खुद खराब होते हैं, सफेद उछले कपड़ों के पीछे अपनी बातें की गंदगी छुपाते हैं, और वक्त आता है तो अपनी असलियत दिखाते हैं। हाँ 100% राइट भाई, और से भी ना जब से हमने मोबाइल की शॉप खोली है लोग तो वैसे ही जलने लगे। लोगों का काम है जलना पूरे। हाँ लेकिन भाई तुम ना उबैद को मत छोड़ना बस। रुका जरूर, माफ नहीं किया। सही है अब बहू से बात कराऊं, वो दरअसल अलिश्बा अपने महके गई हुई है। अरे अलिश्बा की अम्मी की तबीयत खराब थी ना इसीलिए, वो वापस आ जाएगी तो मैं आपकी बात करा दूंगी उससे। जी जी हाँ हाँ सब ठीक है, सब खैरियत है। अच्छा खुदा हाफिज। देख लिया आपने, जब से शादी हुई है अलिश्बा एक मर्तबा भी अपने घर नहीं गई है, लेकिन कल रात को अनाबिया का फोन आया और सुबह मटक के वो अपने घर पहुंच गई। इसमें इतना वावेला करने वाली क्या बात है, लड़कियां अपने मैके तो जाती रहती हैं। अरे मैं कौन सा मना कर रही हूँ, लेकिन इस तरह से एक फोन पे चले जाना मुझे खटक रहा है। अरे वो बड़ी वाली तो आ गई ना वहां पर तलाक लेकर, हाँ बस मुझे इसी बात का शक है कि वहां पर जरूर उसे कोई ना कोई पट्टी पढ़ाई जाएगी। आप हर बात को घुमा फिरा के साजिश की तरफ क्यों ले जाती हैं भाई, जिंदगी में मस्बत सोच रखने की कोशिश किया कीजिए, और यूं किसी की नियत पे शक करना ये कहां की शराफत है। अरे आप तो हमेशा उसी की हिमायत करते आए हैं और करते रहेंगे, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा आप,
जिस दिन पानी सर से गुजर गया ना, फिर मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। आप इसी वजह से हर बात का इशू बना रही हैं कि आपने अपनी बेटी की शादी तो कर दी है, लेकिन अलिशबा को कभी आपने अपनी बहू तस्लीम नहीं किया। आप भी महसूस कर रही हैं, अलिशबा हमारी सिर्फ बहू ही नहीं है, आपकी भतीजी भी है। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि मुनीब के साथ साथ आपको भी कुछ घोल के पिला दिया उन लोगों ने। क्या ये सच है अलिशबा? बस करो, चुप हो जाओ, हिम्मत से काम लो। तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो ना। मैंने ये बात उस वक्त इसीलिए नहीं बताई कि कहीं अम्मी अबू इस सदमे को लेकर। बहुत अच्छा किया कि तुमने अम्मी को नहीं बताया, वो वाकई ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस अब तुम हिम्मत से काम लो, अल्लाह पे सब छोड़ दो। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, उसकी लाठी पे आवाज है। तुम हौसला करो, लो बताओ। पहले तो आने के लिए तैयार नहीं थी और आज अचानक से आ गई, वो भी रात रुकने के लिए। मुझे तो हैरत हो रही है इस लड़की पर। इसमें हैरत वाली कौन सी बात है बाबा? मैं मुनीब से इजाजत लेके आई होगी। पता नहीं इजाजत ली भी है या नहीं, मैंने पूछा नहीं। तो फिर आपको पूछना चाहिए था ना, बेटी का मामला है। बेटियां अपने माँ बाप के यहाँ आती है कोई अनोखी बात नहीं है, और अगर रात रुकने के लिए आती हैं तो अपने शौहर और ससुराल वालों की मर्जी से आती हैं। अब मैं आपसे बहस तो नहीं कर सकता, कभी आप कुछ कहती हैं कभी कुछ कहती हैं। मैं तो मामले की संगीनी देख के बात कर रहा हूं। वैसे आप कह तो ठीक रहे हैं, मुझे पूछना चाहिए। बेटी के ससुराल का मामला है और नई नई शादी हुई है, और खालदा की आदत से तो हम सभी वाकिफ हैं। हाँ बेटी वैसे भी अपने महके आ जाए, माँ बाप को फिक्र तो लाहक होती है, और फिर हम तो वैसे भी दूध के जले हुए हैं। अल्लाह ना करे कि अलिशबा के साथ कुछ ऐसा हो। मुनीब बहुत समझदार और सुलझा हुआ लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, कम से कम मुझे उससे तो बहुत उम्मीदें हैं। यही तो बात है साहब, ये उम्मीदें ये तवक्कोआत यही तो कमजोर बनाती हैं। लेकिन उम्मीद और तवक्को रखना तो अच्छी अलामत है ना? हाँ अच्छी अलामत तो है, लेकिन उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखनी चाहिए और उसी से दुआ करनी चाहिए कि बस वो हमारी दोनों बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। मैं कल खालदा को फोन करूंगी और मुनीब से भी बात करूंगी, लेकिन अलिशबा तो सुबह चली जाएगी ना? हाँ तो चली जाए, लेकिन जाहिर है हमें अपनी बेटी के बारे में आगाह तो रहना चाहिए ना। बेटियों की शादियां हो जाएं तो उन्हें भुलाया तो नहीं जा सकता। हम कल भी उसके माँ बाप थे, आज भी उसके माँ बाप हैं। मैं देख लूंगी, आप फिक्र नहीं करें। कहाँ हैं कहाँ दोनों? अपने कमरे में हैं। अब
लिश्बा, आप एक बात का ख्याल रखना कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी पर जाहिर ना हो कि ऐसी कोई बात भी हुई है। नाना जी, अलिश्बा, मेरे जाने ये शादी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है और अभी जिस स्टेज पे है वाकई बहुत नाजुक है। अभी तो तुम्हें मुनीत के साथ मिलकर इस मुकद्दस रिश्ते को परवान चढ़ाना है, एक दूसरे के एतमाद के साथ आगे बढ़ना है। जी, मैं इतना बड़ा एहसास से जुर्म लेके मुनीत के साथ नहीं रह सकती। हर लम्हा हर पल मैं जिस आग में चल रही हूँ ना, उसकी तपिश उसकी जलन सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। कब तक? मैं जानती हूँ मेरी गुड़िया, बस थोड़ा सा सबर कर लो, बर्दाश्त करो। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, कोई कसूर नहीं है तुम्हारा जिसकी सजा तुम खुद को दे रही हो, और कोशिश करो कि सब भूल जाओ। बहुत मुश्किल है। अगर ये बात अम्मी या अब्बू को पता चल गई तो इस घर में क्या होगा? नहीं, उन्हें ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वो वाकई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हाँ, तो मर जाएंगे। वाकई वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और तुम हौसले से काम लो अलिश्बा, अल्लाह की नजर में तुमने कोई गुनाह नहीं किया, बेकसूर हो तुम। ये तो बस एक आजमाइश है, इसमें साबित कदमी के साथ जमी रहो और ये सारा मामला अल्लाह पे छोड़ दो। बेशक वो कुदरत बेहतर फैसला करने पे कादिर है। बर्दाश्त करो, सबर करो। और जिस शख्स ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, वो कोई भी शख्स बहुत देर तक अपने कैफरे किरदार से नहीं बच सकता। तुम देखना, इसका खमियाजा वो जरूर भुगतेगा। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। तुम मेरे पास वापस कब आ रही हो? तुम क्यों जानते बूझते इस गुनाह पे मुझे राजी कर रहे हो? मेरा वापस आना, तुम्हारे साथ रहना गुनाह है। ठीक है, फिर तुम अलिश्बा के गुनाह को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहो। उबैद के घर वापस जाना चाहती हूँ मैं। ठीक कह रही थी मेरी बहन कि तुम हम दोनों बहनों में फूट डलवा रही हो और तुम इसमें कामयाब भी हो गई। मछली जाल में फंस गई। क्या उसने वापस ही जाना था तो फिर उसने ये सब कुछ क्यों किया? इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो है। तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रात भी गिण गिण तारे